Previously on Truly Foodies. स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के बाद हम गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे साक्षात भगवान राम ने आके उनके भक्त को झोली और डंडा दिया था। आई बिलीव कुछ लोगों ने ये गैस कर लिया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, और अगर गैस नहीं कर पाए तो भी डोंट वरी, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग इसी के ऊपर है। हेलो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ वीरपुर में, और वीरपुर में आपको कुछ मेरे ऑडियंस को पता नहीं हो तो मैं बता दूँ कि वीरपुर इज़ द प्लेस फॉर यू नो, यहाँ पे जलाराम बापा का आपने बहुत सुना होगा, जलाराम बापा की ये नेटिव प्लेस थी वीरपुर। तो यहाँ पे इनका पूरा टेंपल बनाया गया है, जलाराम मंदिर है यहाँ पे। तो आज बस वीरपुर आए थे हम एक्चुअली कल रात को, और कल रात को हमने चेक इन किया था ये होटल में जिसका नाम है होटल माधव। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जस्ट साइड में ही उनका बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने रूम्स लिए थे और नाइट स्टे हमने यहाँ पे किया था होटल माधव में। और आज हम आपको बताएंगे वीरपुर का मार्केट। इस होटल में हम रुके थे वो होटल मंदिर से एक्चुअली जस्ट 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे होटल है हमारी और यहाँ से जाके मंदिर आता है। तो बस बहुत ही अच्छी प्लेस है, अगर आपको मंदिर के नज़दीक ही होटल चाहिए तो ये होटल माधव पैलेस है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये है वीरपुर का मार्केट, और अभी आगे से हम लेफ्ट लेंगे तो आ जाएगा मंदिर। एक्चुअली मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है शूटिंग। आप देख सकते हो होम डेकोर की कुछ चीज़ें हैं, और साथ ही में कुछ ट्रेडिशनल क्लोथिंग वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। પ્રસાદ યુઝ થાય છે, અહીંયા પૈસા ધરાવતા નથી, એના હિસાબે બધા પ્રસાદ ધરાવે છે આ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर में ना आप कोई भी आपको जो डोनेशन बॉक्स होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे जलाराम बापा का जो पहले से उनका एक कोट रही थी कि वो पैसे नहीं लेते थे किसी से भी, तो वो अब भी तक ये चल रहा है। और ये मंदिर कोई ट्रस्ट में नहीं है, जो जलाराम बापा की जो भी हेरिडिटी थी वही अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब कोई ट्रस्ट नहीं है मंदिर का। तो आपको वहाँ पर कोई डोनेशन करने नहीं देंगे, आपको कोई पैसे देने नहीं देंगे वहाँ पर, सो आप यहाँ से स्वीट लेके वहाँ पर दे सकते हो। सो ये यहाँ पे टेंपल की जो भी चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और जो जो कृष्ण जी के वस्त्र है जिसको हम गुजराती में बोलते हैं वागा, कृष्ण भगवान ना वागा, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मार्केट देख सकते हो पूरा, अभी सारी जो भी शॉप्स है वो सारी खुल चुकी है। अभी मुझे बताया गया था कि ये मार्केट ना सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, जो भी जो मेन दुकान होती है जैसे कि प्रसाद वाली होगी और जो मूर्ति वगैरह की जो शॉप्स हो गई वो 6:30 बजे सुबह खुल जाती है। सेम जंगल आओ, जय जलाल जय जलाल। ये अंकल से मिले थे रात को, और ये अंकल से बातचीत हुई थी, इन्होंने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई थी जलाराम बाबा की, और ये इनकी शॉप है। अंकल तुम्हारी शॉप से ना आई थी, आप भी तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी शॉप से। ये अंकल की शॉप है यहाँ पे, और वो मूर्ति वगैरह प्रसाद वगैरह बेचता है यहाँ पे, और एग्जैक्ट मंदिर के एग्जैक्ट सामने है ये, आप देख सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मंदिर दिखा दिया जाए, एक्चुअली मंदिर के अंदर से शूटिंग अलाउड नहीं है सो हम वहाँ पे शूटिंग नहीं कर पाएंगे, बट आप बाहर से देख सकते हो ये मंदिर है यहाँ पे जलाराम बाबा का, बहुत सालों पुराना है। और मुझे एक बात बहुत ही हिस्ट्री जो अंकल ने मुझे बताई थी रात को, तो उसमें मुझे एक बात अच्छी लगी कि अंकल आप क्या बता रहे थे वो 201 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, वो ज़रा मेरी ऑडियंस को बता दीजिए। 201 साल पहले संत शिरोमणि जलाराम बापा ने, उसका मंत्र था देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, हरिनु संकीर्तन करूँ अने भूखिया ने भोजन आपूँ, ए महामंत्र ऊपर भूखिया ने भोजन आपवानू। अहीं जे अन्नक्षेत्र जो चलता है, भूखिये को भोजन मिलता है, उसको 201 साल हो गया है, 201 साल से यहाँ पर लोगों को, यहाँ आने वाले सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। सो वो चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको प्रसाद के तौर पे खाना मिल जाएगा। और अंकल आपने जो स्टोरी कही थी 201 साल पहले भगवान श्री राम आए थे, तो वो बता दीजिए ऑडियंस को कि वो क्या स्टोरी है। आज से
201 साल पहले जब उसका सदगुरुदेव भोजलराम अमरेली के पास फतेहपुर गांव में रहता था, उसका आशीर्वाद से यहां जलाराम बापा ने सदाव्रत का प्रारंभ किया था। भगवान खुद राम जलाराम बापा की इस भक्ति को देखकर खुद परीक्षा लेने यहाँ पर आया था और साधु के रूप में आए हुए भगवान राम ने एक ही चीज मांगी थी कि आपको अगर देना है तो आपकी धर्म पत्नी हमको दान में दे दे। उस समय जलाराम बापा ने जो साधु के रूप में आए हुए भगवान राम को अपनी धर्म पत्नी माँ वीरबाई का दान दे दिया था। विक्रम संवत 1886 में यह घटना वीरपुर में हुई थी। वाह वाह, तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्टोरी में अंकल ने बताया कि खुद भगवान राम साधु के रूप में यहाँ पे आए थे और उनको फिर जो जलाराम बाबा की जो झोली बोलते हैं ना अंकल, सु बोला है ना झोली डंडा, हाँ झोली और डंडा खुद भगवान श्री राम ने दिया था यहाँ पे साधु के रूप में आके। सो बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री है, मैं अगर आप कहीं से भी हो तो यहाँ पे एक बार तो आपको आना चाहिए ये हिस्ट्री को खुद विटनेस करने के लिए। और जो झोली और डंडा दिया था भगवान श्री राम ने वो अभी तक मंदिर के अंदर लगाया हुआ है, सो वो आप देख सकते हो यहाँ पे आके। 201 साल पहले की घटना है। और थैंक यू सो मच अंकल। और अंकल ने जो ब्राउन चश्मे पहने वो उन पर बहुत जच रहे, तो मैं भी अभी थोड़ा एक गॉगल्स पहन लूँगा, मैं मुझे गॉगल्स दिए जाए। तो अंकल आपने मैचिंग कर ली तो आज बराबर है ना, ब्राउन चश्मा। ओके देख सकते हो यहाँ पे पैड़ा वगैरह मिलता हुआ और ये भैया ने मुझे टेस्ट करवाया, मुझे टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा लगा। जो मावा होता है वो मावा से ही आइटम बनी हुई है। ये क्या नाम है यहाँ का, भवानी स्वीट मार्ट। आप देख सकते हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका बोर्ड ले लिया जाए, बहुत ही बढ़िया इनकी जो स्वीट्स का जो टेस्ट है वो बहुत ही जेन्युइन। बहुत पिज्जा को हाथ ही बांध लो, पीस एक एक दाणो हाथ ही बांध लो भैया, पीस सब ये खुलने का डिजाइन पड़ती है इसके बांध दी, हैंडमेड सब इसको बांध नहीं बोलते डिजाइन को, ये सब हाथ से बनता है, एक एक डिजाइन हाथ से बनती है। ये डिजाइन का नाम बांधती है ऐसा बंदेज, बराबर से बंदेज पीस से बांधी ली है। ओके डन डन डन, ये पूरी साड़ी है हाथ से बंधी हुई साड़ी है पूरी बांधनी, इसको बांधनी बोलते हैं। जैसे कि पाटन में पटोला फेमस है वैसे ही ये बांधनी भी फेमस है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे पूरे ऑल अराउंड इंडिया से लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं बाहर के लेने के लिए ये चीज़। ये कितने वाली है करंट जॉब, करंट जॉब ने बताइए कितने वाली है, 1800 की, 1800। जी सर, कौन सा यूट्यूब, हाँ सर ट्रूली फूडीज नाम है, TRULYFWDYZ। ओके थैंक यू सो मच।